नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। एजुकेशन साइकोलॉजी की दूसरी जो अगली यूनिट हम लोग की आ गई है, जिसमें कि हम लोग बेसिकली थ्योरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने दो तीन थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसमें कि थॉर्नडाइक, स्किनर और कुछ और भी थ्योरीज थी। आज मैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की जो एक प्रमुख थ्योरी है जीन पियाजे की, जीन पियाजे की थ्योरी अगर संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे प्राइम थ्योरी है ये, और इसको बिना डिस्कस किए हुए हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जीन पियाजे के बाद ब्रूनर और वाइगोत्स्की, इन दोनों को मैं मिक्स करके चलाऊंगा। तो अगली वीडियो में ब्रूनर और जो पियाजे का दूसरा हिस्सा है वो ख़त्म होगा। समय की वाकई में समस्या है, और मैं कोशिश करके भी वीडियोज़ पूरी नहीं डाल पा रहा था। इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि समय का अभाव, मुझे नहीं पता था कितना ज़्यादा समय किस स्कार्सिटी हो जाएगी मेरे पास। खैर, आप लोगों के एग्ज़ाम तक मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि एक अच्छा खासा चंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ DSSB की GS का, प्लस DSSB के जो साइकोलॉजी की कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, कट ऑफ बहुत ज़्यादा मेरिट से ऊपर नहीं रहेगी। अगर आप लोग DAS ग्रेड 4 का जो आज का रिजल्ट आया उसको भी अगर देखते हैं, तो वो बहुत भी मेरिट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो पूरी उम्मीद है आप लोग अगर मेरिट क्लियर करते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम में सिलेक्शन जोन में ज़रूर रहेंगे। अपनी प्रिपरेशन को इंटैक्ट रखिए, और जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ उतनी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जीन पियाजे को लेकर चलते हैं। जीन पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट जिनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, 1896 से 1980 उनका लाइफ स्पैन था, जीवन काल। उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए थे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में। उनका संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव, मतलब मस्तिष्क से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, उनका कैसे विकास हो रहा है, अपना सोचने की समझने की क्षमताओं का विकास कैसे हो रहा है। इसके लिए उन्होंने अपनी थ्योरीज देने के समय उन्होंने कुछ वर्ड इससे रिलेट किए, जिसमें कि उन्होंने बड़ा वर्ड दिया था अनुकूलन, अडेप्टेशन बोलते ना, कि अडेप्ट कर लेना, किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेना, है ना। तो बच्चा कैसे परिस्थितियों में अपने को ढालता है, इसके विषय में उन्होंने चर्चा की थी कि वातावरण के अनुसार अपने को कैसे ढालना जाता है। तो ये सारी बातें एक बच्चे को लेके हो रही है, वो बच्चा जन्म से लेके और उसकी आगे तक की आयु को, उन्होंने उसको चरणों में बांट के उसके जीवन में, उसके मस्तिष्क में, उसके वातावरण में क्या बदलाव आते हैं जिससे कि उसका संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता रहता है, उस पर चर्चा की थी उन्होंने। तो सबसे पहले पियाजे की अगर हम चलेंगे, तो पियाजे ने कुछ शब्दों का कुछ डेफिनेशन कंसेप्ट बताए थे, है ना। उनकी प्योर थ्योरी करने से पहले उस कंसेप्ट बारे में पढ़ना जरूरी है कि वो कंसेप्ट क्या क्या हैं। तो पहला था अनुकूलन, अडेप्ट करना, बच्चा अपने को कैसे अनुकूलन करता है, कैसे अडेप्ट करता है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एनवायरमेंट में। इसके लिए उन्होंने इसको दो भाग में इसको तोड़ा, जो कि एक है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना, अपने मतलब अपने पास और नया ज्ञान इकट्ठा करना, है ना, पुराने ज्ञान में नया ज्ञान कुछ और ऐड कर लेना। हम जब देखते हैं बच्चों की प्रीवियस नॉलेज कैसी है, तो अगर बच्चा कुछ और चीज़ें को सीख रहा है तो वो उसे अपनी प्रीवियस नॉलेज में उसे ऐड कर लेता है, है ना। मान लीजिए बच्चा कोई खेल सीख रहा है, या बच्चे को किसी कुछ खेल का पता लगा, तो उसे पूरे रूल नहीं पता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे और रूल उसे पता लग जाएंगे, तो वो उसे उनमें पूरा ऐड कर लेगा, है ना, उस गेम को और डेवलप करेगा। तो ये क्या प्रोसेस कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है, आत्मसात करना। और दूसरा क्या है, एकोमोडेशन कहलाना, पुरानी सोच में परिवर्तन लाना। सेम सा लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगेगा। पुरानी सोच मतलब स्कीमा, मतलब ये भी एक प्रकार का ज्ञान है, जो स्कीमा है एक प्रकार का ज्ञान है, जिसको कि बच्चा समय समय पे उसमें नई नई चीज़ें डाल के और उसको चेंज करता रहता है, उसको मोल्ड करता रहता है। सबका स्कीमा अलग अलग हो सकता है, सबका जो काम करने का ढंग, सबका सोचने का ढंग, है ना, कैसा है और उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ये स्कीमा कहलाता है, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट किसके दिए हुए थे, जीन पियाजे के। तो पहला जो उन्होंने कंसेप्ट दिया अडेप्टेशन का, बच्चा अपने कैसे अडेप्ट करता है, दो तरीके से अडेप्ट करता है, एसिमिलेशन के द्वारा और एकोमोडेशन के द्वारा। एसिमिलेशन में पूरे ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड करता रहता है, और एकोमोडेशन में पुरानी सोच में परिवर्तन लाता है, जो नई स्कीमा से ऐड करता है, नई चीज़ों को उसमें ऐड करता रहता है। समझ गए आप। नेक्स्ट इनका चलते हैं, तो यह है इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण। क्या है साम्य धारण? ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चा इन दोनों प्रक्रियाओं का यूज़ करता है, इन दोनों प्रक्रियाओं का यूज़ करता है, और इनको यूज़ करने के बाद अपने ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश करता है। इन दोनों जो चीज़ें हैं, अनुकूल अडेप्टेशन के दोनों प्रोसेस को
यूज़ करके, क्योंकि जब बच्चा ज़्यादा जोर देता है दिमाग के तो उसका मस्तिष्क तंत्र बिगड़ता है, और इस इन दोनों एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की मदद से अपने ज्ञान में वृद्धि करता है और आत्मसात करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है स्कीमा। ये वर्ड कई बार आप लोगों को साइकोलॉजी में मिलेगा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक प्रकार से ज्ञान का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? ज्ञान का पर्यायवाची है। व्यक्ति जब वस्तुओं का व्यक्तियों और जीवन की परिस्थितियों के साथ जो खुद व्यवहार है, मतलब हम किसी चीज़ को किस ढंग से लेते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, और उसके बारे में किस प्रकार हमारी सोच समय समय पर बदलती रहती है या उसमें नई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं, वो स्कीमा कहलाता है। समझ गए आप लोग? स्कीमा क्या है? एक प्रकार से नॉलेज का सिनोनिम्स है, है ना? नॉलेज जैसा सिनोनिम्स है। किस तरह व्यक्ति किसी चीज़ का यूज टू हो गया, फिर उसको कैसे करेक्ट करता रहता है, कैसे उसे डेवलप करता रहता है, है ना, वो उसका स्कीमा कहलाता है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, बच्चे की मानसिक क्षमता। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब बच्चे की मानसिक क्षमता क्या है, बच्चे का मानसिक विकास जो हुआ है उसके बारे में उसे क्या बोला जाता है? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक हो गया, बच्चे की मानसिक क्षमता। नेक्स्ट है मेंटल ऑपरेशन। इसका अर्थ था किसी कार्य को करने के लिए बच्चे के द्वारा किया जाने वाला चिंतन। ये वो है कि जब बच्चा किसी काम को करने के लिए अपना मस्तिष्क का प्रयोग करने लगता है, सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है ना, मूर्त अमूर्त जो भी चिंतन करता है, तो उस सब क्या क्या मेंटल ऑपरेशन, हमारा दिमाग जब प्रक्रिया कार्य करने लगता है ना, मेंटल ऑपरेशन। अगला है स्कीम्स। जब किसी कार्य को करने के लिए कई सारे फैक्ट होते हैं आदमी के पास, जब बच्चे को एक चीज़ को करने के लिए कई सारे तरीके पता हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ों में है ना, एक क्वेश्चन है उसे पांच आंसर हैं, तो उसको पता है कि इस क्वेश्चन के पांच आंसर हो सकते हैं उसका, तो ये पांच जो चीज़ें हैं ये फैक्टर कहलाते हैं। ये फैक्टर क्या कहलाते हैं? फैक्टर। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्कीम्स बोलते हैं। ठीक हो गया। जब किसी कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के तथ्य हों बच्चों के पास और बच्चा उसे रिलेट करने की कोशिश करे तो क्या कहलाएंगे? स्कीम्स। क्या कहलाएंगी? स्कीम्स। विकेंद्र, डिसेंटरिंग, इसका जस्ट अपोजिट। इसका जस्ट अपोजिट, जब बहुत सारे तथ्यों से किसी को किसी एक चीज में प्रयोग करना हो, है ना, बहुत सारे तथ्य, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो ये जो उसका प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? विकेंद्रण कहलाता है। डिसेंट्रलाइज करता है और एक जगह अपने को पिन पॉइंट करता है। समझ गए? विकेंद्रण मतलब बहुत सारे तथ्यों को किसी एक चीज में प्रयोग कर लेना। समझ गया? जब बच्चा वस्तुनिष्ठ प्रकार से अपने को सोचता है। ये तो कुछ कंसेप्चुअल बातें थी जो कि पियाजे ने अपनी थ्योरी में दी थी। इसको अगर आप देखें तो ये सब चीज़ें आपको टॉपिक वाइज ही पता लग जाएंगी, और हमें बहुत ज़्यादा, मैं इसकी इसलिए डिटेल में नहीं गया। पियाजे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अब पियाजे के मुख्य रूप से स्टेजेस क्या थी उनकी, बच्चे का विकास या बाल विकास जो है उसका, संज्ञानात्मक विकास किस किस चार चरणों में होता है, और मुख्य रूप से चरण किस प्रकार कार्य करते हैं, है ना, वो हमको देखना है। मुख्य रूप से पियाजे की जो स्टेजेस, उसको चार भाग में हम बांट सकते हैं। शून्य मतलब जन्म से लेकर 15 वर्ष की अवस्था तक, शून्य से लेकर 15 वर्ष की अवस्था तक उसके बच्चे में जो भी विकास होते हैं उसको चार चरणों में बांटा गया है। पहले चरण को सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है, जो कि शून्य से 2 वर्ष की अवस्था तक होता है। संवेदी प्रेरक अवस्था हिंदी में बोलते हैं, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर्स क्या होते हैं? हमारे जो अंग होते हैं, है ना, आँख नाक कान, इस टाइप से। पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब पूर्णतया बच्चा ऑपरेशनल हो रहा है, पूरी तरह बच्चा चालू हो रहा है, उससे पहले का स्टेज, है ना, 2 से 7 वर्ष तक का। कौन सा? 2 से 7 वर्ष तक का कहलाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें ईयर्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा ऑपरेशनल हो जाता है, काम करने लग जाता है, अपने दिमाग का यूज करने लग जाता है, वो तीसरी स्टेज होती है। ठीक है, जो सामने दिख रहा है उसको कर रहा है, वो समझ रहा है धीरे धीरे। और अमूर्त फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15, मतलब जो दिख रहा है वो तो समझ ही रहा है, जो नहीं उसको दिख रहा है ना वो भी समझ रहा है, वो कल्पना करने लग गया है, वो समझ चीज़ों को, मूर्त और अमूर्त को रिलेट करना सीख गया है। जो चीज़ दिख रही है उसको नहीं दिखने वाली चीज़ से भी रिलेट कर सकता है, वो चीज़ों को समझने, दिमाग काम करने लग गया है, है ना, चीज़ों पर बातचीत कर सकता है, वो समझ सकता है कोई उसका मित्र है, कोई उसका दुश्मन है, कोई उसे धोखा दे रहा है, ये सब चीज़ें वो समझने लगता है। ठीक है, ये चार स्टेजेस हैं। इस बोर्ड से एक क्वेश्चन पक्का आपको आएगा। मेरी वीडियोस ड्यूरेशन में बहुत छोटी होंगी, बहुत लिमिटेड, में साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा पढ़ाता नहीं हूँ, बहुत कट टू कट करके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। अब मैं इसका पहला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सा है? सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से लेकर 2 वर्ष तक का। ये वो काल होता है जब बच्चा बिल्कुल इन्फेंट है और अपने स्टार्टिंग के टाइम में तो सिर्फ रिफ्लेक्सेस के थ्रू ही काम करता है, और किस प्रकार सिर्फ अपने रिफ्लेक्सेस को यूज़ करते करते
वो अपना स्थायित्व, परमानेंट ऑब्जर्वेंस जिसको बोलते हैं, वो प्राप्त कर लेता है, वो हम देखेंगे। देखिए 0 से 2 वर्ष में अंत में बच्चा क्या करता है, 2 वर्ष का होते होते ना परमानेंट ऑब्जर्वेंस मतलब उसको स्थायित्व, चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है वो 2 साल का होते होते। उसे अब छुपा दोगे ना खिलौना उसका, तो लास्ट में जाके पहचान लेगा वो। ये ही हमारी बॉर्डर एज है इस पहले सेक्शन में, है ना, परमानेंट ऑब्जर्वेंस। ये बहुत की पॉइंट की वर्ड है, इसी की वर्ड से क्वेश्चन यहाँ से उठता है इस सेक्शन में, यही है कि लास्ट में बच्चा 2 वर्ष का होते होते परमानेंट ऑब्जर्वेंस को पकड़ने लगता है, चीज़ों को खोज लेता है, समझ गए आप। अब इसमें देखिए, इसको फर्दर हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। पहला है 0 से लेकर 3 दिन का, 0 से लेकर 3 दिन बिल्कुल इनिशियल स्टेज, उसमें बच्चा से अपने रिफ्लेक्स यूज़ करता है। रिफ्लेक्स मतलब क्या, मैंने ऐसे किया तो आपने हमारे आपने सुन तो मुँह ऐसे कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपने सोचा नहीं ऐसे कर लिया, इसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, एक्शन का सडन रिएक्शन, उसे रिफ्लेक्स बोला जाता है। इस टाइम बच्चे को आप मारेंगे मतलब बच्चा अपने अंगूठे को चूस रहा है या अपने ही रिफ्लेक्सेस में रहेगा वो, उसे किसी की बात का कुछ पता नहीं, ठीक है ना, रिफ्लेक्स एक्टिविटी करेगा वो, आपकी हमारी कोई बातों को डिक्टेट करके कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर पाएगा। दूसरी जो स्टेज है, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, 1 से 3 महीने का बच्चा, बच्चा दोहराने वाले काम करता है, है ना, एक ही काम को बार बार करेगा, एक ही काम को बार बार करेगा, मुँह में उंगली डाली आपने निकाल दी, फिर वो डाल लेगा, डाली फिर निकाली, फिर निकाल लेगा। कब तक ये प्रक्रिया चलती है, 3 महीने तक, मतलब एक ही कार्य को बार बार रिपीटिशन करता है, रिपीटिशन। तो रिपीटिशन कब स्टार्ट होता है, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था में, पहली स्टेज का दूसरा हिस्सा, ठीक है। इसको हमने 6 हिस्सों में बांटा हुआ है, कितने हिस्सों में बांटा हुआ है, 6 हिस्सों में। अब तीसरे स्टेज में क्या है, सेकेंडरी सर्कुलर स्टेज, प्राइमरी थी, सेकेंडरी सर्कुलर स्टेज। इस स्टेज में क्या है, बच्चा मतलब अपने को ना चीज़ों को उलटने पुलटने लगता है, ध्यान देता है अपने किए हुए कामों को, ध्यान देता है रोचक कार्य, मतलब उसे ना कुछ 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 एक्टिविटी में लगा रहता है। अब 4 से 8 वर्ष तक 8 महीने के बच्चे को देख लीजिए, वो आपको थोड़ा थोड़ा माँ बाप को पहचाने लगता है, गोदी पहचाने लगता है, और उसे पता नहीं है लेकिन वो चीज़ों को डिसअरेंज करना शुरू कर देता है, पूरी तरह अरेंज नहीं कर पाता है ना, और जो उसे अच्छा लगता है वही करता है वो, ठीक है। चौथा है गौड स्कीमेटा की अवस्था, कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी स्कीमेटा। इसमें बच्चा नकल करने लगता है, है ना, कॉपी करने लगता है किसी को, जो रो के दिखाओ बोलते ना, रो के दिखाओ तो रोने लगेगा, हंस के दिखाओ हंसने लगेगा, आप कोई बोल रहे हैं कुछ बोल रहे हैं तो वो उसको वही चीज़ को रिसाइट कर रहा है, उसी को बोलने की कोशिश कर रहा है ना, इमिटेट करता है, नकल उतारता है किसी की। ये अवस्था कौन सी है, स्कीमेटा की, कोऑर्डिनेशन। ये चौथी स्टेज है जो कि 8 से 12 महीने के बच्चे में मिलती है। पाँचवीं स्टेज अगर मैं जाऊँ तो कहलाएगी टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, 1.5 साल का बच्चा हो गया है, वो बार बार अब चीज़ों को अपने से करता है। देखते ना बच्चे कितने अग्रेसिव होते हैं, इस उम्र तक बच्चे भागना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर देते हैं, वो कुछ भी चीज़ों को ना हटा देंगे, हटा दो मुझे खुद ही करूँगा मैं इसको, खुद ही वो करना एक्सपेरिमेंटल हो जाता है, है ना, उसे ये नहीं पता कि ये चीज़ मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो अनुकरण करने के बाद उस चीज़ों को खुद से डेवलप करने की कोशिश करता है। ये कब होता है, 5वीं स्टेज में होता है, जिसको कि टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन बोलते हैं, तृतीय वृत्तीय अवस्था बोलते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, खुद से बार 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 एक ही काम को बार 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 कर करके सीखता है, ठीक है। लास्ट बस नॉट द लीस्ट, इस समय तक बच्चा साधनों की खोज में पहुंच जाता है, मतलब क्या, ये 6ठी स्थिति में बच्चा चीज़ों को खोजना शुरू कर देता है, चीज़ों के बारे में जानकारी उसके मस्तिष्क में रहने लगती है, कोई उसका सामान उधर छुपा दो आप तो खोज के ले आएगा कि कहाँ था वो, है ना, या इस तरह की एक्टिविटी की उसने एक चीज़ देख ली वहाँ रखी हुई है तो बाद में भी जाके वहाँ खोज लेगा वो कि हाँ ये चीज़ वहीं रखी हुई थी, है ना, परमानेंट ऑब्जर्वेंस जिस बोलते हैं, इस स्टेज में आके 2 वर्ष की अवस्था में आते आते आपको मिल जाती है, ठीक है। तो पियाजे की जो का जो पहला हिस्सा था वो हो गया, बोर्ड छोटा है इसलिए मैं वीडियो लंबी नहीं बना पा रहा हूँ, जल्द ही होपफुली कल इसका ये सेक्शन पूरा आ जाएगा आपको, प्लस ब्रूनर और वाइगोफ की आ जाएंगे, तो परेशान मत होइए, थोड़ा सा साथ दीजिए, अभी 9 दिन है, 9 दिन में आपको मैं लेट डाउन नहीं करूँगा, मुझे खुद भी लग रहा है कि थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसके साथ कोप अप कीजिए, है ना, कोप अप कीजिए। थैंक यू सो मच।